गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज ऑन एक्सरसाइज 9.4। ओके, बिकॉज एक्सरसाइज 9.4 दैट इज रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट एंड दिस इज वेरी वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वॉट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, because before solving this exercise you have to know about different factors related to simple interest, and it is very very interesting topic because you all have to need about this term in your life. Okay, so here is a small story. There is a person and he have 1000 rupees। ठीक है, एक आदमी था, उसके पास 1000 रुपये थे। ठीक है, तो वो सोच रहा था कि 1000 रुपये मेरे पास अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं इसे बैंक में डाल देता हूँ। ठीक है, तो उसने उस रुपये को बैंक में डाल दिया। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर्स दे हैव नीड फॉर, ठीक है, सब मनी। ठीक है, उसको कुछ रुपए की ज़रूरत पड़ी, तो उसने ये सोचा कि जो उसने मनी जो 1000 उसके पास था, तब उसको उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो ऐसे ही रखा हुआ था, तो वो सोचा था कि क्यों ना इसको बैंक में डाल दें, तो उसने बैंक में डाल दिया। अब एक साल बाद उसको कुछ रुपए की ज़रूरत पड़ी, तो वो सोचा कि किसी से लेने से अच्छा है कि जो मैंने अपनी मनी जो है डिपॉजिट की है बैंक में, ठीक है, उसको मैं विदड्रॉ कर लूँ। ठीक है, मैं उन्हीं रुपए का यूज़ करके जो है अपना जो भी नीड है उसको उससे वर्क कर लूँ। ठीक है, सो ही गो टू बैंक, बैंक जाता है एंड आस्क फॉर दैट मनी। ठीक है, उस 1000 रुपये की वो वहाँ से मतलब जो बात करता है कि मैंने जमा किया था। ठीक है, तो बैंक उसको जो है 1000 ना दे करके 1000 और उसके अलावा भी कुछ उसको मनी देता है बैंक। ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग कि आप अगर आपके पास 1000 था तो आपने 1000 डिपॉजिट करने गए बैंक में, लेकिन बैंक जब आपने एक साल बाद गया, वो आदमी गया, तो उसको 1000 ही मिलना चाहिए था, लेकिन 1000 के अलावा उसको कुछ मनी और मिला। ठीक है, तो वो अमेजिंग था, वो बैंक मैनेजर के पास गया। ठीक है, बैंक मैनेजर से उसे अपनी सारी ये जो है जो भी सिचुएशन था बताया। ठीक है, तो बैंक मैनेजर ने उसे समझाया कि वो 1000 के अलावा उसे और कुछ और एडिशनल मनी क्यों दे रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट, दिस इज़ द स्टोरी दैट इज़ बेस्ड ऑन द सिंपल इंटरेस्ट। हमें हम दो तरीके से, या तो हमारे पास मनी जब होता है तो हम उसे बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड कि अगर हमें कभी ज़रूरत होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर घर भरवाना है या किसी कोई मनी जो है मैरिज में लगाना है या एजुकेशन पर्पज़ के लिए लगाना है, तो भी हम बैंक से क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ठीक है, या तो हम अपनी डिपॉजिट मनी वहाँ कर दें, ठीक है, तो वो पैसा हम ले सकते हैं, या हमारे पास कोई भी मनी नहीं है और हम किसी से अगर लेना चाहते हैं तो किसी दूसरे से ना ले करके हम बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, या अगर आप किसी पर्सन से भी ले रहे हो तब भी जो है आपको वो मनी मिलता है, लेकिन उसका जो टर्म्स एंड रेगुलेशन होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, सो हियर वी टॉक अबाउट द बैंक एंड दैट पर्सन। ठीक है, सो यहाँ पे हुआ क्या कि उसने जो 1000 मनी जो डिपॉजिट की थी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल, जो उसके पास 1000 मनी था दैट इज टू बी डिपॉजिट। ठीक है, सेकेंड इज कि बैंक जब वो बैंक गया तो उसको 1000 के अलावा उसको एक एडिशनल मनी भी मिला, कुछ और रुपया मिला। ठीक है, दैट इज़ योर इंटरेस्ट। बैंक में जब भी हम मनी डिपॉजिट करते हैं तो वो हमें उस एक एडिशनल मनी, उसके साथ एक्स्ट्रा मनी भी देते हैं, दैट इज़ योर इंटरेस्ट। ठीक है, एंड देयर इज़ अ टर्म टाइम कि हम जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितने टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हम कितने टाइम्स के लिए हम जो है मनी डिपॉजिट किए, कितने दिन बाद विड्रॉ कर लें, किसके अकॉर्डिंग हमें वो, तो वहाँ पे जो है टाइम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, जैसे वो एक साल बाद उसको ज़रूरत पड़ा तो एक साल बाद गया। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कि जो एडिशनल मनी उसको 1000 के साथ मिला था, ठीक है,
तो दैट इज अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया. ऐसा नहीं है कि वो 1000 अगर डिपॉजिट करने गया और वो दूसरे दिन लेने गया होता तो उसको उतना ही एडिशनल मनी तब मिला होता. ठीक है, वो 1 साल बाद गया था तो उसको उतना एडिशनल मनी मिला. हम 4-5 दिन या 1 महीने के बाद अगर जाएंगे तो हमें और एडिशनल मनी मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू एनी क्राइटेरिया ऑफ द टाइम. ठीक है, जो टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारा क्राइटेरिया होगा कि इतने दिन इन्होंने डिपॉजिट किया बैंक, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट अपना मनी किया तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें इतना जो है रुपए मिलना चाहिए, वो क्राइटेरिया. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेट. ठीक है, तो एक सो हियर द टर्म इज यू ऑल सी. ठीक है, इंटरेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट रियल लाइफ टॉपिक बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सेविंग एंड बोरो मनी. ठीक है, या डिपॉजिट करना दैट इज वी सेव आवर मनी, जैसे कि उस पर्सन ने किया था, एंड बोरो मनी दैट इज फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ लोन. ठीक है, हम ले सकते हैं. इफ यू कीप योर मनी इन अ सेविंग अकाउंट द बैंक विल यू पे यू समथिंग जस्ट फॉर कीपिंग इट देयर. ठीक है, तो अगर हम सेविंग अकाउंट जो हमने अपना मनी जो डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट में, तो उसके बेसिस पे हमने कितने दिन के लिए किया है, ठीक है, और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें क्या एडिशनल मनी मिलना चाहिए, ये सभी चीज़ें, तो हम या तो सेविंग कर सकते हैं, तो जब सेविंग करेंगे तो हमें वो पे करेगा. ठीक है, बैंक पे करेगा मनी. एंड सेकेंड, द इंटरेस्ट दैट यू गेन विल बी बेस्ड ऑन हाउ मच यू पुट इन एंड द मीन्स इट अनदर यूज परसेंट इंक्रीज. ठीक है, द इंटरेस्ट दैट यू गेन, तो जो आपको एडिशनल मनी मिल रहा है, हाउ मच यू पुट इन, मतलब आप कितने टाइम के लिए पुट किए हैं, वो टाइम भी डिपेंड करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने बताया कि अगर उसने 1000 रुपये मनी जो है डिपॉजिट किया था, तो अगर वो 4-5 दिन बाद लेने जाएगा तो जो भी मनी होगा उसको वो 1 ईयर के अकॉर्डिंग और जो है कम मिलेगा. 1000 तो उसका मिलेगा ही मिलेगा, जो एडिशनल होगा वो कम मिलेगा. सो हियर इज द टाइम, दैट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर. ओके, नाउ वेन यू कीप मनी इन अ सेविंग अकाउंट द बैंक पे यू इंटरेस्ट फॉर द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग योर मनी. ठीक है, सो वेन यू कीप मनी इन अ सेविंग, तो क्योंकि हमने अपने इतनी मनी जो है अपने सेविंग अकाउंट में डाली थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो एडिशनल मनी देगा दैट इज कॉल्ड योर इंटरेस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट. वेन यू बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक, जब हम उधार लेते हैं, द बैंक चार्ज यू इंटरेस्ट फॉर द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग देयर मनी. ठीक है, तब भी जो है हमारा बैंक जो है, अगर हम उससे उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो वो कुछ हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है, क्योंकि हम उसकी मनी को यूज़ कर रहे हैं, है ना. तो उस टाइम के लिए, टाइम के अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तब भी वो हमसे चार्ज लेता है कि आप हमारे इतने मनी इतने दिन के लिए लिए हैं, तो इस पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, दैट इज कॉल्ड योर इंटरेस्ट. तो वहाँ पे भी हम जो हमें एडिशनल मनी देना होगा, दैट इज योर इंटरेस्ट. और जब हम डिपॉजिट करते हैं, सेविंग कर रहे हैं, तब भी, क्योंकि वो हमारे मनी को रख रहे हैं ना, सेव कर रहे हैं अपने टाइम के लिए, तब भी वो हमें कुछ एडिशनल मनी देंगे, दैट इज कॉल्ड योर इंटरेस्ट. ठीक है, सो हियर द डेफिनेशन इज, इंटरेस्ट इज अ फी दैट यू पे फॉर यूजिंग सम एल्स मनी. तो इंटरेस्ट एक ऐसा फी हो गया, दैट इज अगर हम किसी की मनी को यूज कर रहे हैं तो उस पर उसको देना होगा. तो अगर हम बैंक को अपनी मनी दे रहे हैं तो उतने दिन के लिए वो हमारी मनी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें इंटरेस्ट देंगे. और अगर हम उनसे उधार ले रहे हैं एज अ लोन पर्पस, ठीक है, लोन जो है ले रहे हैं, तब भी हम उनकी मनी का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें भी उनको जब वापस करेंगे तो वी हैव टू गिव एडिशनल मनी, दैट इज इंटरेस्ट. नाउ द इंटरेस्ट इज टू बी पेड इज वर्क आउट एज अ परसेंट ऑफ द मनी इन्वेस्ट और लोन. कितना परसेंट आपने इन्वेस्ट किया है या लोन लिया है, उसके अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट आपका फाइंड आउट होता है. द परसेंट दैट इज पेड ओवर अ गिवन टाइम इज कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट. ठीक है, द परसेंट दैट इज पेड ओवर अ गिवन टाइम, अब कितने टाइम के लिए उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया गया है. ठीक है, जैसे 1000 उसने रखा, तो 1000 उसने डिपॉजिट किया, 1 साल बाद वो जो है विड्रॉ करने गया था. ठीक है, तो अब उस 1 साल 1 ईयर में उसको कितने परसेंट इंटरेस्ट, किस परसेंट के अकॉर्डिंग जो है मिलेगा, एडिशनल मनी जो मिलेगा, वो होता है इंटरेस्ट रेट.
फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 1 ईयर के लिए रखा है तो हो सकता है अगर 1 ईयर रखा है तो 10 रुपीज़ उसको एडिशनल मिलेगा। उसी पैसे को अगर वो 2 साल के लिए रखता तो 20 रुपीज़, 3 साल के लिए रखता तो 30 रुपीज़। ठीक है, तो कितने टाइम्स के लिए उसने रखा और उस टाइम के अकॉर्डिंग कितना परसेंट उसको एडिशनल मनी मिलना चाहिए, दैट इज इंटरेस्ट, दैट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो हियर द टर्म इज, फर्स्ट इज प्रिंसिपल। ठीक है, व्हाट इज प्रिंसिपल, दैट वी गिव मनी डिपॉजिट इन अ बैंक। ठीक है, सेकेंड आर स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट रिटेन एज द फ्रैक्शनल और डेसिमल टर्म। ठीक है, एंड व्हाट इज इंटरेस्ट रेट, दैट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक फॉर एवरी 100 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो एवरी 100 रुपीज पे ही जो हमारा इंटरेस्ट लगाया जाता है कि 100 रुपये पे इतना इंटरेस्ट, जो भी मनी होगा डिपॉजिट होगा तो पर 100 इतना इंटरेस्ट जो है 1 ईयर का इतना आएगा। ठीक है, तो दैट इज योर इंटरेस्ट रेट। नाउ थर्ड टर्म इज टी, दैट इज टाइम। ठीक है, कितने टाइम के लिए हम डिपॉजिट या कितने टाइम के लिए हहम लोन ले रहे हैं। ठीक है, एंड आई इज फॉर द इंटरेस्ट। ठीक है, एंड आई वी राइट ऑल्सो एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। सो हियर द फॉर्मूला इज आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी। ओके, एंड आई दैट इज एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, पी आर टी, एंड हियर आर इज इन परसेंटेज फॉर्म, क्योंकि पर 100 रुपीज पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो आर क्या होगा आपका परसेंटेज में होगा, एंड यू ऑल नो अगर परसेंटेज में है तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, आर अपॉन 100। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले में आर की जगह आर अपॉन 100 लिखें तो व्हाट देयर इज द फॉर्मूला, आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 100। आर की जगह क्योंकि आर परसेंटेज में है तो आर बाई 100 हो गया। ठीक है, तो पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 100। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट योर सिंपल इंटरेस्ट एंड डिफरेंट फैक्टर रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज ऑल टर्म्स यूज्ड इन योर एक्सरसाइज 9.4। ओके,